सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और सब सफाई हो गई है, और तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ सब ठीक ठाक हो गया है। और उसके बाद मुझे करना है रसोई में काम। तो अभी यहाँ पर सफाई वफाई करने के बाद थोड़ी देर खेलते हैं चुटकू से, उसको ले आती हूँ, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे, क्योंकि फिर ना फिर सब ऐसे ही हो जाता है दिन भर। तो यह मैंने सफाई वफाई कर दी है, नहा धो के थोड़ी देर खेलते हैं छुटकू के साथ में। तो आइएगा आप लोग भी, ये देखिएगा हमारा छुटकू हो गया ना स्मार्टी स्मार्टी बॉय, है ना प्यारा प्यारा सा। तो बस हम लोग अभी यहीं पर ही खेल रहे थे, और फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हो गया है काम जो है खेलने मिलने का, बस अब फटाफट से यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन जो हैं इन्हें समेट लेती हूँ, और फिर करती हूँ खाने की तैयारी। तो ये सब सामान ना एक्स्ट्रा निकाल के मैं किसी ड्राम वगैरह में रख दूँगी, क्योंकि इनकी रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सब ऐसे के ऐसे ही मतलब वो हो जाते हैं। तो बस जितने बर्तन चाहिए ना उतने ही रखूँगी, बाकी जितने एक्स्ट्रा बर्तन हैं सबको ड्राम में डाल दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालूंगी, क्योंकि यहाँ रसोई छोटी है ना, तो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, कितना ही सही कर लेती हूँ दूसरे तीसरे दिन फिर सारा का सारा वैसे ही हो जाता है। और बस फिर इन सब चीज़ों को निकालूंगी, जो ज़रूरत पड़ेगी तभी उसमें से निकाल के, क्योंकि वैसे तो हम खुले रखते हैं ना तो ये गंदे हो जाते हैं सारे, यूज़ नहीं होते तो रखने की प्रॉब्लम तो है ही। और बस बाकी मैं अब जितनी ज़रूरत होगी ना उतनी ही रखूँगी, बाकी को सबको एक ड्राम में डाल दूंगी, जिससे कि साफ़ भी रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल भी जाएंगे। बस तो फिर इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा करने के बाद बना लेती हूँ खाना वाना। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं परमल की सब्ज़ी। तो परमल वगैरह की सब्ज़ी वगैरह तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी करी है, तो इसलिए क्या शेयर करूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्लॉग हम लोगों को रोज़ बनाने होते हैं
और कुछ ना कुछ जो है हम लोग मतलब करते रहते हैं। तो और सभी कुछ ना घुमा फिरा के फिर कुछ दिनों बाद फिर वही रिपीट हो जाता है, क्योंकि साग सब्जी घर का, घर की तो हर चीज़ का वही रहता है ना। और फिर सब घरों का यही हाल है, जो बच्चे पसंद करते हैं खाने पीने के लिए बस वही चीज़ें बनाई जाती हैं, तो बस यही रहता है। और इसी तरीके से मेरा भी जो रूटीन चलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बना ली है मैंने परमल की सब्जी, और बना लेती हूँ फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ भी। और फटाफट से ना एक बार काम में लग जाओ तो काम हो जाता है, और फिर अगर एक बार बैठ के सोचो कि थोड़ी देर में करेंगे तो फिर पूरा दिन फैला रहता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, सब्जी तैयार हो चुकी है, और उसके बाद गरम गरम खा लेंगे खाना, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है ना, कभी मौसम ठंडा सा हो रहा है और कभी बहुत तेज़ गर्मी सी हो रही है, क्योंकि ये बरसात में ना यही हाल होता है। और यहाँ बन रही हैं रोटियाँ। तो इसी के साथ देखिए रोटियों का काम भी हो गया ख़त्म, और अब लगा लेते हैं खाना। तो देखिए परमल की सब्जी है, रोटियां हैं, तो आ जाइएगा आप लोग बेड पे। मैंने अभी चादर बदली थी दिन में ना, तो फिर अब इसके ऊपर ये वाली बिछा दी तब तक, क्योंकि फिर खाते वक्त फिर गंदी हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए डाल दी है। और ये देखिएगा रसोई का हाल, आज दूध थोड़ा देर से आया था ना, तो अब गर्म करके रख रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप मेरी रसोई का कितना खतरनाक हाल हुआ है, और इसे देख कर ना मुझे डर भी लग रहा है। तो ये देखिएगा सब ये काम मुझे निपटाना है, उसके बाद ही मुझे सोना है। तो ये देखिएगा हो गई है रसोई रसोई चकाचक। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, गुड।